हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार ब्रदर्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेज़ा 2019, जो इसको मेरे को चल VDI मॉडल है ये। और आप इसका रिव्यू देख ही चुके, अगर नहीं देखे तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी अभी मेरे को इसको चलाते चलाते 71,000 किलोमीटर में चला चुका हूँ, और अभी तक मेरे को जो नेगेटिव पॉजिटिव लगा है मैं उसके बारे में आज बात करने वाला। तो सबसे पहला जो इसका नेगेटिव लगता है मेरे को, उसके इसके पुअर हेडलैम्प्स है। मतलब इसके हेडलैम्प जो है भाई, हेडलाइट क्यों दिया जाता है, ताकि रात में जो है चलाने में आसानी हो, मतलब थ्रो अच्छा हो। इसका थ्रो ही अच्छा नहीं है। जब हाईवे पे चलते जो कोई सामने से आ रहा होता है तो पता ही नहीं चलता है कि गाड़ी मतलब लाइट ऑन भी है करके। और सिंगल लेन रोड में चलते हैं तब जाके थोड़ा सा इसमें ठीक लगता है, जब सिंगल लेन रोड रहता है नाइट के टाइम। फिर भी उसमें भी अगर कोई सामने से आ रहा है तो नहीं दिखाई देता, मतलब पूरा गाड़ी जो है ना अंदाजे में चलता है। थ्रो बहुत कम थ्रो है इसका, लगता ही नहीं कि थ्रो मतलब इस गाड़ी में है भी। जिस हिसाब से हेडलाइट है भाई, इतनी बड़ी गाड़ी है SUV, उस हिसाब से हेडलाइट तो देना चाहिए मेंटेन करके। बाकी गाड़ियों में तो अच्छा अच्छा हेडलाइट आ जाता है। खैर अभी नए वाले में तो प्रोजेक्टर दे दिया गया उसका, LED का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं अपने गाड़ी का बता रहा हूँ, उस समय थ्रो नहीं था। और सेकेंड नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड नेगेटिव पॉइंट मेरे को इसका ये लगता है, जो साइड इंडिकेटर यहाँ पर दिया गया है भाई, स्विफ्ट में अगर जैसे ये जो है सेकेंड बेस मॉडल है, जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, VDI मॉडल है। चार मॉडल आता है इसमें, LDI, VDI, ZDI और ZDI प्लस, तो ये VDI है। तो भाई VDI में ये दिया है, ठीक है। और कोई भी आप गाड़ी देखेंगे ना मारुति की, जैसे नीची क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए बेलेनो हो गई, स्विफ्ट हो गई, उसमें आपको यहाँ पर टर्न इंडिकेटर ORVM में दिया रहता है। भाई यहाँ पर इसको क्यों दी, जबकि ये तो SUV है, मारुति की सबसे महंगी गाड़ी, उसमें भी यहाँ पर दिया, इसको यहाँ देना चाहिए था, जो कि मेरे को थोड़ा सा ख़राब लगता है। वैगनार में भी आता था, जब पुराने हमारे पास वैगनार थी तो उसमें भी आता था सेम, कोई अंतर ही नहीं लगता। और सेम पार्ट शेयरिंग बहुत करते हैं मारुति, लेकिन अपनी ही गाड़ी में पार्ट शेयरिंग करते हैं। और अगर थर्ड नेगेटिव पॉइंट की बात करें, जो आप इसका एंटीना देख सकते हैं रूफ में, जो आपको एंटीना मिलता है ये अंदर होता ही नहीं है। मतलब क्या सोच के मारुति इसको किया है कि भाई अंदर होता ही नहीं, कभी कवर डाल देते, कवर फट गया मेरा, उसके चलते खड़ा रहेगा। अभी जाके लेटाया, ऊपर नीचे बस होता है, स्लाइड होता है, मतलब ऊपर और नीचे होगा हल्का फुल्का, बाकी वो इसी खड़ा रहता है। क्या ही लॉजिक बनाओ, पीछे देखने बहुत भद्दा दिखता है, सामने से देखने बहुत भद्दा दिखता है भाई। कम से कम जो एस क्रॉस आपने वीडियो देखा होगा उसमें जो पीछे आता है वो वाला पीछे डाल देता, छोटा सा ही डाल देता, शार्प एंटीना नहीं बोल रहे, छोटा ही डाल देता, इतना बड़ा सा डाला है, ये मेरे को नेगेटिव लगता है। कोई बाकी FM का तो कोई यूज़ होता ही नहीं है, सब आजकल ब्लूटूथ होने लगा तो FM का यूज़ कोई करता ही नहीं, तो क्या मतलब बनता है इसको डालने का। और अब फोर्थ नेगेटिव की बात करते तो अब इंटीरियर में ही है वो नेगेटिव, जो इसका रिक्लाइन एंगल है। आप देख सकते हो सीट पूरी खड़ी रहती है ऐसे पूरी है, तो भाई थोड़ा सा रिक्लाइन होना चाहिए। जैसे मेरे पास नेक्सॉन है, उसका सीट इससे कंफर्टेबल है, लेकिन इसका रिक्लाइन ज़्यादा है उसका, नेक्सॉन का। इससे एस क्रॉस उसका भी रिक्लाइन ज़्यादा है, खैर वो तो क्रॉस ओवर है, लेकिन SUV में बहुत सारे SUV का ना रिक्लाइन ज़्यादा रहता है। इसका रिक्लाइन आप देख सकते हो, इससे भी बाहर निकला हुआ, इससे भी बाहर निकला हुआ, देख सकते इतना बाहर निकला, क्या लॉजिक बनता है भाई, जबकि इसमें आता भी नहीं है पीछे करने के लिए। ये देख सकते पीछे करने के लिए आता ही नहीं, इसको उठाएंगे बस पूरा सीट आगे हो जाएगा। और सिक्स नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इसका स्पीकर है। एक तो पहली बात, मारुति अपना स्पीकर बताता ही नहीं कि कौन सा कंपनी का डाला है। मारुति अपना भी डाला, थोड़ा अच्छे क्वालिटी का डाल दे भाई, कभी ना स्पीकर का ना ब्रांड बताया ना कुछ बताया। स्पीकर क्वालिटी मैंने आपको इसका रिव्यू भी दे चुका, मतलब स्पीकर टेस्ट भी कर चुका, उसका मैं वीडियो लिंक में आपको डाल दूंगा। तो ना इसमें बताता है कि कौन सा कंपनी है, और भाई क्वालिटी फट जाता है पूरा, मतलब गाड़ी चल रहा है 20 बहुत है, 20 में अगर चला रहे तो ठीक। अब दोस्त लोगों के साथ मैं कहीं जाता हूँ, भाई लोगों के साथ जाता हूँ, 40 पे तो बोलते हैं भाई क्या ही स्पीकर है भाई, लगता ही नहीं कि इसका स्पीकर भी कोई क्वालिटी लायक है। ट्विटर दिया जबकि उसके बाद भी भाई बताना चाहिए मारुति को, और थोड़ा अपग्रेड कर दे मारुति इसको। सेवन नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो भाई मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये देखें प्लास्टिक क्वालिटी, खैर मारुति का तो बोलते हैं प्लास्टिक क्वालिटी खराब ही रहता है, लेकिन भाई SUV में तो कम से कम कर दे, जबकि ये 4-star आया है, फिर भी मारुति का बिल्ड को प्लास्टिक क्वालिटी तो अच्छा नहीं, देख सकते पूरा दब रहा है, यहाँ दब रहा है, देख सकते हैं पुश करने से ये सब देख दबता रहता है, ये देखिए दब रहा है, ये दब रहा है। नाइन्थ नेगेटिव की बात करें तो नाइन्थ नेगेटिव में आप इसका देख सकते हैं, सिर्फ ये ऊपर नीचे होता है, ये देख सकते हैं, सिर्फ ये स्टीयरिंग ऊपर नीचे होता है, अंदर बाहर नहीं होता, खींच रहा हूँ मैं फिर भी अंदर बाहर नहीं हो रहा। लास्ट नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो आपको इसमें वैनिटी मिरर दिया गया है पैसेंजर साइड, लेकिन इसमें आपको कैबिन लाइट नहीं मिलता आगे में, सिर्फ पीछे मिलता है ये वाली, ठीक है। और इसमें जैसे रात में नाइट में अगर कोई बंदा जैसे पार्टी वार्टी में जा रहा है, नाइट में जा रहा है,
तो उसको देखना रहता है कांच में, तो ना यहाँ पास वो लाइट है और ना ही यहाँ पास लाइट है, कैबिन लाइट, जिससे आदमी को थोड़ा सा वहाँ पास थ्रो आए तो दिखे, क्या बोलते हैं, लाइट अगर पड़े तब तो दिखे आदमी को कि ठीक है कि नहीं। फेस वेस देखने के लिए करते भाई, फेस फेस दिख रहा है कि ठीक है कि नहीं, तो उसमें दिया ही नहीं लाइट, पीछे से थ्रो भी नहीं आता अच्छा, और कैबिन लाइट भी पूरा, अगर हेलोजन भी दिया तो क्वालिटी पुअर है, उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है। मारुति कॉस्ट कटिंग बहुत करता है। तो यही था नेगेटिव के बारे में। सबसे पहले मेरे को उसका पॉजिटिव पॉइंट लगता है वो इसका बिल्ड क्वालिटी है कि 4 स्टार है। सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है भाई, 198 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है इसमें। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसका जो ORVM है वो हम लोग को थोड़ा सा साइज़ बड़ा मिल जाता है, जिससे चलाने में थोड़ा आसानी होता है। जैसे साइज़ देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा एरिया मिलता है आपको, और इससे जो थोड़ा पीछे का जो व्यू है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, वाइड थोड़ा दिखता है, तो उसे चलाने में आसानी होता है। तो इसका मेरे को थर्ड पॉजिटिव पॉइंट ये लगता है। और फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो आपको इसमें 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, जो कि टाटा का अगर बात करते हैं, टाटा नेक्सॉन कोई भी टाटा की गाड़ी में देखेंगे तो आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलेंगे, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर नहीं मिलता, जिससे इसमें आसानी होता है। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर है तो उससे आसानी होता है बैक करने, पार्क करने में। तो ये मेरे को पॉजिटिव पॉइंट लगता है। और फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसका बूट स्पेस इसमें आपको डिसेंट मिल जाता है, मैसिव नहीं मिलता, लेकिन इसका जो बूट स्पेस है वो थोड़ा ठीक लगता है। जैसे XUV300 कंपैरिजन करेंगे और बाकी गाड़ी से, कुछ कुछ गाड़ी से कंपैरिजन करेंगे तो इसका बूट स्पेस आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, जिससे आपको इसमें सामान रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होता। सेवन पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें आपको टायर साइज़ मिलता है, वो सेम टायर साइज़ मिलता है जैसे आप देख सकते हैं, 205/60R16, और वही टायर साइज़ आपको जो है साइड में भी मिलता है, जैसे ये दिखा देता हूँ मैं, ये देख सकते हैं 205/60R16 सेम टायर साइज़ आपको मिलता है, जो आपको स्टेपनी में मिलता है और वही आपको टायर साइज़ साइड में मिलता है। पॉजिटिव पॉइंट की बात अगर करते हैं तो आपको इसमें जो इंजन मिलता है 1.3 लीटर डीजल इंजन, जो गाड़ी के हिसाब से मेरे को ठीक लगता है, और इसमें पावर थोड़ा ज़्यादा मिलता है आपको, मतलब गाड़ी के हिसाब से जैसे 1.3 लीटर डीजल इंजन, तो उस हिसाब से मेरे को इसमें पावर थोड़ा ज़्यादा लगता है। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो जैसे मैं अंदर बैठता हूँ, इसका ग्लास एरिया तो आपको बड़ा मिलता ही है, और अंदर बैठने के बाद आपको इसका बोनट दिखता है, जैसे कि किया सेल्टॉस में नहीं दिखता, हुंडई वेन्यू में नहीं दिखता, और कुछ कुछ गाड़ियों में नहीं दिखता, जैसे किया की सोनेट में भी बोनट नहीं दिखता, किया के सेल्टॉस तक में बोनट नहीं दिखता भाई, जबकि इससे ऊपर सेगमेंट गाड़ी है फिर भी उसमें नहीं दिखता, जब तक हाइट एडजस्ट नहीं करते। इसमें विदाउट हाइट एडजस्ट करे भी, जो जैसे VDI है इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं इसमें आपको हाइट एडजस्ट नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आपको इसमें बोनट पूरा नज़र आता है, आराम से पूरा बोनट नज़र आता है। चलाने में, ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर, बाकी चीज़ में भी आपको थोड़ा आसानी रहता है। बोनट नहीं दिखने से अच्छा है भाई, थोड़ा तो बोनट दिख रहा है, पूरा बोनट दिखता है, तो ये मेरे को पॉजिटिव पॉइंट लगता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।